नमस्ते दोस्तों, मैं गायत्री गायत्री के देसी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम है कि अभी ये समय बप्पा का चल रहा है, बप्पा के दिन चल रहे हैं, तो लोग जगह जगह पर पंडाल लगा के बप्पा की स्थापना किया हुआ है। कुछ लोग गणपति अपने घर में भी बैठा के रखते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा उसी हिसाब से करते हैं लोग। तो इसी अवसर पर हम आपके लिए बहुत ही आसानी से बनने वाला प्रसाद और बप्पा को बहुत पसंद आने वाला मोदक बना के दिखाएंगे, और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमने कढ़ाई गैस पर रख दी, उसमें डाल दिया था 2 चम्मच देसी घी, और इसमें 1 कप करीब हमने सूजी डाल दिया है, महीन वाली सूजी। तो सूजी को हम थोड़ी देर रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हमको लाल नहीं करना है, हम हल्का सा ही इसका कलर चेंज करेंगे खुशबू आने तक। तो हम इस तरह चलाएंगे, और चला के इसको चलाते हुए थोड़ी देर भूनेंगे, इसको हम चलाते जाएंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। तो हमने अच्छे से इसको भून लिया सूजी को, हमारी सूजी में खुशबू आने लगे। तो हमने सूजी पलट लिया एक थाली में, और अच्छे से इसको फैला देंगे तो ये ठंडी हो जाएगी। और ये दूध है तो हम फुल क्रीम का दूध यूज करेंगे, तो ये मलाई वगैरह हमारा दूध पका हुआ था, तो मलाई भी हमने इसमें डाल दिया है। तो हमने 1.5 गिलास दूध डाला है करीब, ये 350 ग्राम दूध है। तो हम दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे चलाते हुए, रबड़ी जैसे बनाते हैं रबड़ी की तरह, तो हम इसको गाढ़ा करेंगे दूध को। तो देखिए हमारे दूध में उबाल आने लगा है, तो हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, और अब हम दूध को चलाते हुए गाढ़ा करेंगे मीडियम फ्लेम में। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। और अब इसमें हम थोड़ी से केसर के धागे डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब हम चलाते हुए इस दूध को गाढ़ा करेंगे, जैसे जैसे हमारा दूध पकता जाएगा वैसे वैसे केसर का कलर आता जाएगा, इसका कलर डार्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं होगा, लाइट कलर में रहेगा। तो हम चलाते जाएंगे ऐसे दूध को और गाढ़ा करेंगे, तो देखिए केसर हमारी केसर कलर छोड़ दिया है और दूध में कलर आ गया है, लाइट कलर आया है। और अब हम इसमें मिक्सर जार में थोड़ी से काजू और ये थोड़ी से बादाम डालेंगे, और डाल के और इनको पीसेंगे। तो देखिए हम बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया, हल्का सा दरदरा ही रखना है। हम एक बर्तन में पलट लिया है, और अब हमारा दूध देखिए गाढ़ा हो गया है रबड़ी की तरह। तो इसी स्टेज पे हम अब डाल देंगे इसमें सूजी, जो भुना हुआ था वो सूजी डाल देंगे, और इसको अब चलाएंगे, हमारी सूजी भी पक जाएगी और गाढ़ा भी हो जाएगा। तो हम पूरी सूजी डाल देंगे, इससे क्या होता है, हमने दूध इसलिए गाढ़ा किया है कि इससे ना मावे का भी टेस्ट आएगा और सूजी का भी टेस्ट आएगा, तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह बना के आप एक बार ट्राई कीजिए, प्रसाद आप इस तरह बना सकते हैं, और बहुत फटाफट बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको सूजी को, तो हम चम्मच की सहायता से इस तरह मिक्स करते जाएंगे। और ये हमने 1 कटोरी लिया है चीनी, पीसी हुई चीनी है, आप मिक्सर जार में इसको डाल के चीनी को और पीस सकते हैं। तो हमने पीसी हुई चीनी डाला है, करीब 150 ग्राम चीनी है, तो हमने डाल दिया है, और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो अभी हमारा थोड़ा सा हल्का सा ये गाढ़ा लग रहा है, सूखा जैसे, तो हम इसमें डाल देंगे दूध, हम पका हुआ दूध डालेंगे और गरम दूध डालेंगे, कच्चा दूध नहीं डालेंगे हम बिल्कुल। तो हमको हल्का गुनगुना दूध ही डालना है, और चलाते हुए अच्छे से हम पकाएंगे, तो इससे हमारी सूजी भी अच्छे से और पक जाएगी। और जब ये थोड़ी से गाढ़ा हो जाएगा तब हम गैस को बंद करेंगे। इसी तरह हम देखिए कैसे चला रहे हैं। और ये पीसे हुए ड्राई फ्रूट, जब हमने बादाम और काजू पीसा था तो वो ड्राई फ्रूट है, वो हम डाल देंगे और उसे भी मिक्स कर देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप इस तरह बना के अपने बप्पा को प्रसाद चढ़ा सकते हैं घर में, और बहुत जल्दी फटाफट बन जाता है।
तो देखिए हम इतना गाढ़ा कर लिया है और ये एकदम से जैसे हम आटे का डो तैयार करते हैं वैसे ही हमारे ये डो तैयार हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, अच्छे से पक चुका है और हमें हल्का गरम ही हो, गरम गरम ही हमें बनाना है, इतना हो कि हम हाथ से टच कर सकें। तो हम पहले इस तरह लोइयाँ तोड़ लेंगे और ये ठंडा नहीं है, गरम में ही बनेगा। तो देखिए हम इस तरह लोई गोल गोल करके और हाथों से इस तरह कर रहे हैं, हम बिना मोल्ट के बना रहे हैं मोदक। आप भी इस तरह बना सकते हैं, बिना मोल्ट के मोदक बना सकते हैं। आप कैसे भी बनाइए, मोल्ट से बनाइए, बिना मोल्ट से, जिसके पास मोल्ट अवेलेबल नहीं है तो इस तरह से भी बना सकते हैं और बना के आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं पप्पा को। तो देखिए हम कांटे वाली चम्मच से इस तरह चारों तरफ ये लाइन बना दिया है, एकदम से परफेक्ट मेरा मोदक बनकर तैयार है। देखिए और कितना अच्छा बना है, हम दूसरा भी ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो इसको गोल गोल करके पहले हम हाथों से ऐसे चारों तरफ से इस तरह लंबा करेंगे, शेप इसका देंगे। उसके बाद हम ये कांटे वाली चम्मच से इस तरह खड़ा करके और इस तरह चारों तरफ से इसकी लाइन बनाएंगे कि हमारा मोदक बिल्कुल मोल्ट में जैसे बनाते हैं वैसे ही लगे। तो हमने इसमें भी बना दिया चारों तरफ लाइन और एक बर्तन में रखते जाएंगे। तो देखिए हमारे मोदक परफेक्ट मोदक बनकर तैयार हैं, कोई नहीं बोलेगा कि ये बिना मोल्ट के बनाए हुए मोदक हैं। तो हमने अपने हाथों से बनाया और बहुत अच्छे बने हुए हैं, टेस्टी भी हैं बहुत, खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही बना सकते हैं और बप्पा का प्रसाद बना के और चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नमस्ते।